धरणी ने हमें जन्म दिया है, पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। माता पिता गुरु को प्रणाम करने से आयु विद्या यश और धन बिना मांगे खींच के आता है। माँ कितना दुख लेकर गर्भ में धारण किया है, तुम्हारे लाभ से ही तुम्हारे किसान क्यों कपड़ों तक बोले क्यों तुम्हें सुखों पर सुखाया, उनकी आंख में जाना पाप तुमको सुख में सुलाया और वो तुम्हारे लिए शाप की विनती लेकर सुनवा है। बालक है युवक, ऐसा आचरण नहीं करना कि वो कृपा वही आंख गीली हो जाए। तेरे आचरण से खबरदार है, पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण मत करना। वो पुण्यमय मंगलमय आंख को कभी तुम्हारे व्यवहार से भीगी हुई मत देखना, आगे मत बनना। तुम्हारे कारण माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाए ऐसा दुखद व्यवहार मत करना। बेटे बेटियां उनके चरणों में नतमस्तक होकर व्यक्त ध्यान भारत अव्यक्त निधनानी तत्र का वैदेवना संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या श्लोक करना है? तीसरा श्लोक दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु पूर्वं ते संगोस्तु कर्मणि। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से क्यों ही पूरा है ऐसा अज्ञान माता पिता तो नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से कठोर निकलेगी तो अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम होते हैं। उनके हृदय में तो हमारे से ढेर सारा प्यार ही भरा होता है, कई बार वो दर्शन नहीं पाते हैं। ओम गम गणपते नमः।
सीधे हाथ में वहां से हटा के थोड़ा कंठ पे स्पर्श करेंगे, थोड़ा गले को स्पर्श करिए इस तरह से। ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः। प्रतिवर्ष मातृ पितृ दिवस अवश्य मनाइए और प्रतिदिन अपने माता पिता और गुरुजनों का खूब आदर सम्मान करें। अब आपके हाथ में जो गीता रूपी अमृत कलश है, आपको भारतीय गुरु हरी जिस तरह से एक संकल्प अपने भारत देश के लिए सभी विश्व गुरु और भारत प्यारा ऐसा है संकल्प हमारा। विश्व गुरु और भारत प्यारा ऐसा है संकल्प हमारा। हरिओम मां, हरिओम मां, हरिओम मां। कहते हैं पहला पिता तुम्हारा नहीं चलता है, फिर धरती पर जो है जो तुमने पहला पिता अपनी माँ से दिया था, तुमने पिता से दिया था, तो छोटे होते तो माँ की बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनके आने से इतने नहीं पसंद करते हैं, तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं माता पिता के। हमेशा कर्तव्य रहे। थैंक यू।